सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जो सृष्टि के सारे अमंगलों को हरकर मंगल पूर्ण करने वाली है, शिवे सर्वार्थ साधिके, शिव की अर्धांगनी है एवं सर्व अर्थों को अर्थात कामनाओं को पूर्ण करने वाली है, जो शरणागत वत्सल है तथा तीन नेत्रों वाली गौरांगी सृष्टि की पालनहार शक्ति है, ऐसी नारायणी को हमारा नमस्कार है। नारायणी नमोस्तुते। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी।
मंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके।
शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये।
सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदया ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदया तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदया ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदया सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदया ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदया सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदया ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदया सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदया ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदया सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदया ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदया सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदया ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदया स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदया ॐ
तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। धियो
या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता या देवी सर्वभूतेषु या देवी
आवे, दर्श करत जन अति सुख पावे। शक्ति ले की ना पालन है तू अन्न धन दीना, अन्नपूर्णा हुई जग पाला, तुम ही आदि सुंदरी बाला, प्रलय काल सब नाशन हारी, तुम गौरी शिव शंकर प्यारी, शिव योगी तुम्हरे गुण गावे, ब्रह्मा विष्णु तुम नित द्यावे। सुबुद्धि ऋषि मुनि ने उबारा, धरा रूप नरसिंह को अम्बा, प्रगट भई फाड़ कर खम्बा, रक्षा कर प्रहलाद बचायो, किरणा कुश को स्वर्ग पठायो, लक्ष्मी रूप धरो जग माई, श्री नारायण अंग समाई। शक्ति तुम्हारी शंकर आचार्य
पाच तप कीनो, काम अरु क्रोध जीति सब लीनो, निश दिन ध्यान धरो शंकर को, काहु काल नहीं सुमिरो तुमको, शक्ति रूप को मरम न पायो, शक्ति गई तब मन पचितायो। आदि जगदम्बा दई शक्ति नहीं कीन विलंबा मोको मातु कष्ट अति घेरो तुम बिन कौन हरे दुख मेरो आशा तृष्णा निपट सतावे रिपु मूरख मोहि अति डर पावे की जय महारानी सुमिरो एक चित तुम्हें भवानी करो कृपा हे मातु दयाला रिद्धि सिद्धि दे करहु निआला जब लगे जियो दया फल पाऊं तुम्हरो जस में सदा सुनाऊं दुर्गा चालीसा जो गावे सब सुख भोग परम पद पावे देवी दास शरण निज जानी करहु कृपा संतोषी मैया की। भक्तों लीजिए फिर से पावन शुक्रवार आ गया है, मेरी मैया संतोषी का प्रिय शुक्रवार। भक्तों पावन शुक्रवार के दिवस जो नारी माँ संतोषी का व्रत उपवास रखती है, सारा दिन माँ के नाम का ध्यान धरती है और सायंकाल संतोषी व्रत कथा श्रवण कर आरती चालीसा का पठन कर माँ को गुड़ चने का भोग अर्पित करती है और स्वयं भी केवल एक समय भोजन ग्रहण करती है, वह नारी जीवन में समस्त सुख भोगती है तथा सदा सुहागिन रहते हुए अपने जीवन के अंत में माँ संतोषी के चरणों में स्थान प्राप्त करती है। तो आइए सुनते हैं माँ संतोषी की पावन संगीत में व्रत कथा। एक बार फिर बोलिए आद भवानी मैया संतोषी की। पावन संतोषी व्रत गाथा श्रद्धा से जो सुनता सुनाता हो कल्याण जी, संतोषी मैया को प्रणाम जी। ध्यान लगा लो माँ संतोषी को गालो देवरदान जी, संतोषी मैया को प्रणाम जी। किसी गांव में एक बुढ़िया रहा करती थी। भक्तों उसके 7 पुत्र थे, 6 बड़े पुत्र तो कमाते धमाते थे परंतु 7वां सबसे छोटा कुछ भी नहीं करता था।
बुढ़िया को अपने छह बड़े बेटों से बहुत प्यार था। उन्हें बड़े प्रेम से भोजन कराती और उनकी बची खुची जूठन से सातवें को भोजन कराया करती। सातवें पुत्र की पत्नी यह सब देखकर मन ही मन बहुत दुखी रहती थी, परंतु सातवां पुत्र था कि उसकी बातों पर विश्वास ही नहीं करता था। परंतु पत्नी के बहुत कहने पर एक दिन खाने के समय आंगन में चारपाई पर जाकर चादर ओढ़कर लेट गया और स्वास्थ्य खराब होने का बहाना करने लगा। उसने देखा कि माँ ने छहों भाइयों को प्रेम से भोजन करवाया और उन सब का बचा खुचा भोजन उसी को परोस दिया। यह देखकर उसका मन क्षुब्ध हो गया। भक्तों, माँ से बोला, मैं परदेश जाता हूँ माँ। बुढ़िया ने भी कह दिया, कल का जाता है तो बेटे आज ही चला जा। जाते समय पत्नी से कुछ निशानी मांगता है। पत्नी गोबर पाथ रही थी, पीठ पे दोनों हाथ धरे थे। पति भी अंगूठी दे के निशानी, भक्तों फिर पर देश चले थे। पत्नी बोली, जाओ स्वामी, हम काटेंगे जिंदगानी बिना आप जी, ईश्वर करेंगे कल्याण जी। पावन संतोषी व्रत गाथा श्रद्धा से जो सुनता सुनाता हो कल्याण जी, संतोषी मैया को प्रणाम जी। पति परदेश पहुंचा और एक साहूकार के यहाँ नौकरी करने लगा। धीरे धीरे अपनी मेहनत से उसने काम धंधे को दो गुना चौगुना बढ़ा दिया और फिर पूरी जी जान से मेहनत करी, जिससे सेठ का विश्वास भी जीत लिया। काम धंधे में इतना खो गया कि अपने परिवार के विषय में सब कुछ भूल गया। उधर उसकी माँ और छहों भाभियां उसकी पत्नी पर भारी अत्याचार करते थे। उसे भूसे की रोटी देते, नारियल के खोपरे में पानी देते। ऐसे ही दुखी मन से एक दिन जंगल से लकड़ी लेने जाती है तो क्या देखती है कि कुछ स्त्रियां वहां पूजन आरती कर रही हैं। पूजन के पश्चात जिज्ञासावश वो उनसे पूछने लगती है कि ये कौन से देवी देवता का पूजन है। तब वो स्त्रियां उसे बताती हैं कि ये पावन संतोषी माता के व्रत का पूजन है। इस व्रत का पालन 16 शुक्रवार तक करना चाहिए। शुक्रवार को स्नान ध्यान के पश्चात माँ संतोषी का पूजन कर उपवास रखना चाहिए। सायंकाल कथा के पश्चात गुड़ चने का भोग अर्पित करना चाहिए। माँ अवश्य मुरादें पूर्ण करती है। यह सोच उसने अपने मन में भी अगले शुक्रवार को माँ का उपवास रखने और मन की मुराद मांगने की सोची। माँ के नाम की मन्नत मानी, माँ संतोषी तुम दया की दानी। मेरे पति से मुझको मिला दो अपनी कृपा माँ, बरसा दो। माँ ने चमत्कार दिखलाया, पति को परिवार याद आया, लेता नाम रे, वापस मैं जाऊं उनके पास रे। पावन संतोष
जोशी व्रत गाथा श्रद्धा से जो सुनता सुनाता हो कल्याण जी संतोषी मैया को प्रणाम जी पति सोचने लगा वापस जाऊं तो जाऊं कैसे सारा हिसाब किताब तो अभी बाकी पड़ा है परंतु माँ संतोषी की कृपा से उसका सारा हिसाब किताब एक ही दिवस में पूर्ण हो गया। उसके पास बहुत सा धन भी आ गया जिस धन को उसने स्वर्ण मुद्राओं में बदल लिया और थैली बनाकर अपने घर की ओर लौट चला। उधर उसकी पत्नी ने जब मार्ग में धूल उड़ती देखी तो माँ संतोषी से पूछने लगी। माँ ने कहा, बेटी तेरा पति वापस आ रहा है, जा सूखी लकड़ियों के 3 गट्ठर बना, एक नदी किनारे रख, एक मेरे मंदिर में और तीजा अपने सिर पर रख, अपने घर पे जाना, जोर से भूमि पर पटकना और तेज आवाज में कहना, लो लकड़ी ले आई हूँ, मुझे भूसे की रोटी दो, नारियल के खोपरे में पानी दो, घर में कौन मेहमान आया है। और उधर उसका पति मार्ग में लकड़ियां देखकर रुक जाता है, वहां भोजन इत्यादि कर अपने घर लौटता है। अपनी माँ भाइयों भाभियों एवं भतीजे भतीजियों से मिलता है, परंतु अपनी पत्नी के विषय में उसे कुछ याद नहीं रहता। तभी उसकी पत्नी घर के अंदर आती है, तेज आवाज में चिल्लाती है, भूसे की रोटी दो, नारियल के खोपरे में पानी दो, घर में कौन मेहमान आया है। उसकी आवाज सुनकर उसका पति बाहर आता है तो उसके हाथ में अंगूठी देखकर उसे पहचान जाता है। अपनी पत्नी की यह हालत देख वो दुखी होता है और माँ से अलग घर में रहने के लिए चाबी मांगता है। अलग घर में जा उसकी पत्नी माँ संतोषी का उद्यापन करवाती है, परंतु उसकी जेठानियां छल से बालकों को खट्टा खिलाकर उद्यापन भंग करवा देती हैं। खट्टा था व्रत भंग कर डाला, माँ ने अपना क्रोध दिखाया, संतोषी मैं अज्ञानी दो क्षमादान जी, माफ करो तुम अपराध जी। पावन संतोषी व्रत गाथा श्रद्धा से जो सुनता सुनाता हो कल्याण जी, संतोषी मैया को प्रणाम जी। संतोषी माता से क्षमा मांगने के पश्चात माँ से प्रार्थना करती है कि हे माँ, मैं आपका उद्यापन फिर से करवाऊंगी। माँ संतोषी ने दर्शन दिए और कहा, हे पुत्री अब कोई भूल न करना, ध्यान रहे मेरे उद्यापन के दिन कोई भी खट्टा पदार्थ ना खाने पाए। माँ की कृपा से पति भी जेल से वापस आ गया। अगले शुक्रवार को उसने फिर से माँ का उद्यापन किया। इस बार भी जेठानी के लड़कों ने खट्टा मांगा तो उसने उन्हें घर से बाहर भगा दिया और ब्राह्मण कुमारों को भोज करवाकर दान दक्षिणा दी। माँ संतोषी अत्यंत प्रसन्न हुई और ठीक 9 माह पश्चात उसे एक चांद समान सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई।
तो देखा आपने भक्तों, जिस तरह उस स्त्री ने पूरे विधि विधान से माँ संतोषी के 16 शुक्रवार के व्रत किए और इच्छा पूर्ण होने पर उद्यापन करवाया और जीवन में माँ संतोषी की कृपा पाई, ठीक उसी तरह यदि आप भी माँ संतोषी के व्रत पूरे विधि विधान से करेंगे तो आप और आपके परिवार पर माँ की विशेष कृपा सदा बनी रहेगी। बोलिए संतोषी मैया की। माँ संतोषी नाम है साचा, भक्तों मन से जपते जाना, पूजन अर्चन माँ का करना, चंदन का इन्हें तिलक लगाना, भवसागर से तर जाओगे संतोषी कृपा पाओगे, हो गुणगान जी मैया करेंगी कल्याण जी, पावन संतोषी व्रत गाथा श्रद्धा से जो सुनता सुनाता, हो कल्याण जी संतोषी मैया को प्रणाम जी। Thank you.
तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। जनों पे माता भीड़ पड़ी है भारी, दानव दल पर टूट पड़ो माँ करके सिंह सवारी, करके सिंह सवारी। तेरे भक्त जनों पे माता भीड़ पड़ी है भारी, दानव दल पर टूट पड़ो माँ करके सिंह सवारी, करके सिंह सवारी। सौ सौ सिंहों से भी बलशाली है दस भुजाओं वाली, दुखियों के दुखड़े निवारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। इस जग में पड़ा ही निर्मल नाता, पड़ा ही निर्मल नाता। भूत कपूत सुने हैं पर ना माता सुनी को माता, ना माता सुनी को माता। माँ बेटे का है इस जग में पड़ा ही निर्मल नाता, पड़ा ही निर्मल नाता। भूत कपूत सुने हैं पर ना माता सुनी को माता, ना माता सुनी को। सब पे करुणा बरसाने वाली, अमृत बरसाने वाली, दुखियों के दुखड़े निवारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। धन और दौलत ना चांदी ना सोना, ना चांदी ना सोना। हम तो मांगे माँ तेरे मन में एक छोटा सा कोना, एक छोटा सा कोना। नहीं मांगते धन और दौलत ना चांदी ना सोना, ना चांदी ना सोना। हम तो मांगे माँ तेरे मन में एक छोटा सा कोना, छोटा सा। सबकी बिगड़ी बनाने वाली, लाज बचाने वाली, सतियों के सत्य को सवारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। शरण में खड़े तुम्हारी ले पूजा की थाली, ले पूजा की थाली। वरद हस्त सर पर रख दो माँ संकट हरने वाली, संकट हरने वाली। चरण शरण में खड़े तुम्हारी ले पूजा की थाली, ले पूजा की थाली।
वरद हस्त सर पर रख दो माँ, संकट हरने वाली, संकट हरने वाली माँ। भर दो भक्ति रस प्याली अष्ट भुजाओं वाली, भक्तों के कारज तू सवारती, ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। तेरी आरती, ओ मैया हम सब उतारे तेरी।